बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम वेलकम रबिया की ब्लॉग में, वेलकम। कैसे हैं आप सब? और जी, ब्लॉग का आगाज़ कर दिया था मॉर्निंग से ही, नाश्ते के बाद से ही। यहाँ पे मेरी दाल थोड़ी सी मैंने भिगो के रख दी थी। अच्छा, इसको भिगोने का मकसद ये था, यहाँ पर मैं नाश्ते के बर्तन भी साथ साथ धो रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भिगो देती हूँ ना, तो ये जो है सही हो जाती है। जी, ये कुछ ड्राई मसाले थे, खुश्क मसाले, जिसमें पिसा धनिया और पिसी हुई लाल मिर्चें थी और हल्दी थी। अच्छा, ये जो है ना, राशन में जब चीज़ें ज़्यादा आ जाए और इस्तेमाल इतना ना होना, तो आपको तो पता ही है कि फिर तो क्या होता है। वो तो आपको पता ही है क्या होता है, पता है? उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ये होता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह के लाल लाल कीड़े पड़े। तो दाल भी मैंने निकाल के पूरी अच्छे से एक तसले के अंदर मैंने उसको पहले धूप लगाई, पहले अच्छे से उसको बाहर रखा, धूप लगाई और उसको पूरा साफ वाफ किया, छान वान के सारा जो उसमें कीड़े शीड़े घुस गए थे और जो दाल ख़राब हो गई थी वो सब रिमूव कर दी। उसके बाद अब बारी आई थी हल्दी की। हल्दी में जो है ना कीड़े घुस गए और लम्ब्स बना दिए उन्होंने, छोटे 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 लम्ब्स बना दिए। तो फिर मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और आपको पता है हल्दी को हाथ लगा तो वैसे ही हाथ वाथ सब कुछ पीला पीला कर देती है। लेकिन क्या है कि काम तो है ना, करना तो है ना, एक चीज़ ख़राब तो नहीं करनी। आपको पता है कोई इतनी महंगाई है कि जिसकी कोई हद नहीं, इस कदर महंगाई है। और जी, आज आप खुश हो जाए, मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने आ गई मास्क लगा के। अच्छा, मास्क लगाने का मकसद ये था कि मुझे जो है ना, ये जो मसाले होते हैं, मिर्ची होती है ना, ये मतलब इसकी ना घास चढ़ रही थी, घास समझते हैं, मुझे इसकी ना एलर्जी हो जाती है इसलिए मुझे जो पेड़ छींके मुझे लगी धम मुझे मास्क लगाना पड़ा। और जब मैंने मास्क लगा तो मेरा देवर इतना हंस रहा मुझ पर जिसकी कोई हद नहीं। क्या करूँ, मैंने कभी इस तरह मास्क लगा के काम किया ही नहीं है किचन के अंदर। ज़ाहिर है हम घर में वैसे ही रहते हैं जैसे डेली में रहते हैं। और लेकिन एक बात में बताऊँ, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं साथ साथ वीडियो शूट कर रही हूँ। उन्हें फील तो हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने फील होने नहीं दिया कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, शर्म आती है। तो मैं आपको बताऊँ ना, मैं कैमरा शाय क्यों इसीलिए तो हूँ कि एक तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और दूसरा जो है ना, मैं जब कैमरा लेके घूमती हूँ ना, तो सारे मेरा मुँह देखते ही हूँ, मुझे देखते कहते कुछ नहीं है, सबको पता है। ज़ाहिर है एक वर्क कर रही है, काम कर रही है प्लेटफॉर्म पर, तो हर किस्म की जो भी कंडीशन होती है ब्लॉग बनाने में वो उन्हें करनी पड़ेगी, जानती तो सब है। अभी मैंने इसको एयरटाइट जार में सब डाल दिया था हल्दी को, और मैं इसको अब रखने लगी थी। साथ साथ मुझे बड़ा दिल कर रहा था, और सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगात आना शुरू हो गई है, सर्दियों की सब्जियाँ आना शुरू हो गई है, जिसमें है सरसों का साग, चलाई का साग और दीगर साग, और उसमें मूली भी मिले। अच्छा, बहुत सारे लोग मूली के पत्ते हटा कर देते हैं, फेंक देते हैं, कुछ सब्जी वाले भी फेंक देते हैं। तो मैंने जब भी मूली मंगाई है ना, मैं मूली के पत्ते ज़रूर मंगाती हूँ। मुझे पत्ते इसके एक्स्ट्रा से परचेज़ करने पड़ जाते हैं, यानी कि पत्ते प्रति का मकसद ये है कि मैं जो है ना वो करती हूँ, क्या कहते हैं, भुजिया बनाती हूँ, और दाल चावल के साथ हम इसकी भुजिया जो है ना खाने का लगता है। और जब तक के 2 महीने की सर्दियाँ होती है पाकिस्तान में, तो आपको पता है सर्दियाँ 2 महीने की होती हैं, उसके अलावा हर दिन गर्मी है, इवन 7 साल के हैं और 2 महीने सर्दी है। तो बस 2 महीने में जो सर्दियों की सौगात, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, स्पेशली वेजिटेबल्स। तो मैं जो अभी वही करने लगी थी, सब्जी आ गई थी, मूली करार करके अपने हस्बैंड से मंगाया था। हस्बैंड कह रहे थे अभी तुम रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, अभी तुम मूली तो अभी तुम मंगा रही हो, अभी तक तो एक्सपेंसिव भी बहुत होगी, और दूसरी बात यह है कि वो जो है ना, कभी नई नई मूली आई है, छीनी होगी, पत्नी सलाब में बह गई है, क्या है क्या नहीं, कैसा वो करें क्या करें, कचरा मचरा निकाल के ना दे दें। और फिर वो बाद में ये भी सोचने लगे कि अब यार अगर मैं मूली नहीं लेके गया तो नाराज़ ना हो जाए बेगम। तो बेचारे ये सोचते अब जो बासी मिली या महंगी मिली, जैसी मिली ना, वो मेरी खुशी के लिए ले आया। उन्हें पता है कि इसको मूली की सब्ज़ी बड़ी पसंद है, पत्ते वत्ते ज़रूर एक्सपर्स इन्हें बस सब पता है। तो ये कह रहे कि मैं अगर लाता नहीं तो आप कहूँ नहीं देता। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई क्या कहते हैं शर्त ही लगी थी कि जी लाना है ऐसा नहीं है। मैं भी जानती हूँ बड़ी महंगाई है, सब्ज़ी बहुत महंगी मिल रही है,
लेकिन अगर आप ले आते अच्छी बात है, नहीं लाते तो कोई बात नहीं थी। फिर अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है विंटर का, तो सब्ज़ियाँ आती जाती रहेंगी और थोड़ी सस्ती भी हो जाएंगी। तो जब लेकर आए तो पता क्या कह रहे, पुरानी मूली है, उसने पुराना माल निकाल के दिया है, तुम्हारे कहने से मिल गया है। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदो, नेक बंदो अल्लाह के, छोड़ जो पुरानी है, बासी है तवासी है, बस मैंने खानी है। बस मुझे, मैंने जब से बाजार में मूली देखी थी ना, मुझे टन टन मेरे दिमाग में घंटी बज गई थी, मूली आ गई, मूली आ गई। ये दो दिन के से मैंने हस्बैंड को बोली मूली आ गई बाजार में। अच्छा यह बातें मैं कर रही थी, बातें करते करते दाल मेरी गल गई है, यहाँ पर पूरा पानी खुशक हो गया। अगर मैं नहीं देखती ना अभी की मेरे दाल अच्छी खासी से नीचे लग गई थी। जल्दी 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 मैंने फ़ौरन सामान चलाया। अच्छा जो टोकरी रखी है ना, ये मेरे सब्जी धोकर रखी थी, इसमें पानी निथा लिया था सारा, फिर मिट्टी विट्टी अच्छे से मूली की धोकर निकाल ली थी, पत्तों के सारे ना कट करके, फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया। तब जब ये इसका पानी निकल जाएगा ना पत्तों, फिर मैं इसको उसकी जगह पर रख दूँगी। दाल रोटी मैंने उठाई और अब जी दाल रोटी पर आ गई थी, मैं इसको थोड़ा वॉश करूँगी और हम लोग चलते हैं अपनी दाल की तरफ। अच्छा अभी जो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ, ये ब्लॉग कुछ हमारी जो रूटीन में काम हो रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है कुकिंग की, जो भी ये वो चीज़ें मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी कुकिंग को फाइनल लुक देते हुए दिखाऊंगी, तो और जो भी मैं कुछ बनाऊंगी वो मैं शूट करके अपनी वीडियो के रूप में तो दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर अब मैं दाल घोटने लगी हूँ, साथ साथ द्रविया भी सब पे खड़ी हुई होती हैं और काम कर रही होती हैं, पी 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 उनकी चल रही होती है, तो बड़ा ही कोई मसला होता है भाई क्या कहते हैं काम करने में। और बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा हम लोगों ने ना घर भी शिफ्ट करना है, हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमारा घर जो है रेंट का है, तो मतलब रेंट का है और इसके पीछे क्या एक रीज़न है ये सब मैं कभी और किसी से ब्लॉग में बताऊँगी। वैसे घर रेंट का तो नहीं है लेकिन मैं बताऊँगी बाद में कभी किसी और दिन। खैर कोई नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।